क्या बोले दिल्ली, आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। और आपको बता दें कि अब किरण बेदी का नया पता बदलने वाला है, यानी कि कृष्णानगर की जनता जहाँ से वो उम्मीदवार हैं उनका नया पता ये रहने वाला है मुख्य चुनाव कार्यालय, जिसका उद्घाटन करने के लिए किरण बेदी पहुँच चुकी है। बस कुछ ही पलों में उद्घाटन होना है, वहाँ रोड शो के जरिए लोगों से यानी कि कृष्णानगर की उस जनता से मुलाकात कर रही है किरण बेदी इस वक्त, जिसने 2013 के चुनावों में डॉक्टर हर्षवर्धन को 69,222 वोटों से विजयी बनाया था। लेकिन इस बार किरण बेदी के सामने चुनौती आम आदमी पार्टी की ओर से पेश की जा रही है, वहीं कांग्रेस भी पूरा दमखम लगाए हुए है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। किरण बेदी जीत रही है, बिल्कुल वो पक्का है, जीतेंगे। यहाँ की जनता उनको क्यों चुने? Because she can clear all corruption from our society, from all fields, and she's a great woman. आप लोग यंग हो, आप लोगों के मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं जिसको आप चाहते हो कि इसको शॉर्ट आउट किया? अनएम्प्लॉयमेंट, मेनली अनएम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी इंक्रीज। आप बताइए, एक महिला है, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है जिसको आप चाहती हैं कि अगर किरण बेदी यहाँ से विधायक बने तो उसे दूर करें? मैं ये चाहूंगी कि हमारी दुनिया के अंदर मेन जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर आधी से ज्यादा औरतें ऐसी हैं जो वर्क करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती। आई थिंक तो चाहे उन्हें घर बैठे ही मिले, चाहे आसपास के लिए मिले, उनको कोई वर्क ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि भारत की कम से कम 100% 50% जनता जो है लेडीज हैं, उन लेडीज के लिए कोई ना कोई वर्क ऐसा होना चाहिए। 25% जो लेडीज वर्क करती हैं, अदरवाइज 25% जो लेडीज है वो घर पे बैठ के सोचती है मैं कैसे वर्क करूँ, क्या वर्क करूँ। कुछ उनके लिए भी अगर आगे होगा तो कुछ उनके लिए भी। और यहाँ पे तस्वीरें मैं जो देख पा रही हूँ वो बता दूँ अपने दर्शकों को, यहाँ पर किरण बेदी का काफिला पहुँच चुका है। सुबह 8 बजे से लोगों से डोर टू डोर जाकर उन्होंने मुलाकात की और अब आ चुकी हैं वो जिस कार्यालय का उद्घाटन होना है। यहाँ पहले ही सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन पहुँच चुके हैं, जो पिछले 5 बार से विधायक भी रहे हैं कृष्णानगर के, वो पहुँच चुके हैं। सबको बेसब्री से इंतजार था किरण बेदी का और सुबह से ही नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कौन से नारे लगा रहे हैं? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। और किरण बेदी? किरण बेदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री बन, किरण बेदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, किरण बेदी जिंदाबाद। चलिए आप बताइए कौन जीत रहा है यहाँ से? जी किरण बेदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 70,000 वोटों से 2013 में जीते थे डॉक्टर हर्षवर्धन, इस बार रिकॉर्ड टूट। हाँ जी, उससे ज्यादा लीड होगा, जन जन इनका प्रिय है। और जो महिला है ना वो कह रही किरण बेदी, किरण बेदी, किरण बेदी, चारों तरफ किरण बेदी हो रहा है ये दावा है यहाँ पर बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं उनका। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा 10 फरवरी को जब नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में जाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। अब तरह से हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है ढोल नगाड़ों की और मंत्रोच्चार की बीच एक और, जहाँ किरण बेदी इस वक्त पूजा अर्चना करने बैठी हुई है क्योंकि नया ऑफिस उनका H1/1 होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर इस वक्त ये है, गणतंत्र दिवस समारोह में न्योता नहीं मिलने की वजह से अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज हैं। 49 दिनों की सरकार चला चुके अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें न्योता मिलना चाहिए था, ऐसा क्यों किया गया? ज्यादा जानकारी लेते हैं, संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, न्योता नहीं मिलने के पीछे वजह क्या है? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वह सुन लेते हैं। से तो दिल्ली के दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका न्योता मिलना चाहिए गणतंत्र दिवस के अंदर। वो न केवल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बल्कि दिल्ली के सबसे पॉपुलर नेता हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, और उन्हें जब न्योता नहीं मिलता है तो मन में सवाल पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी राजनीतिक विद्वेष की भावना से ऐसा काम किया गया? नाराज है क्योंकि उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। संजय से इस वजह को और ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे, वो लगातार बीजेपी कवर करते रहे। संजय, वजह क्या बताई जा रही है अरविंद केजरीवाल को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता क्यों नहीं दिया गया है? देखिए चित्रा, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल इस समारोह में आने के लिए हकदार थे, उनको न्योता मिलना चाहिए था। लेकिन आपको अगर याद हो तो जब मुख्यमंत्री रहते हुए 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से वो धरने पर बैठे थे शास्त्री भवन के सामने, रेल भवन के सामने, और 26 जनवरी के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में उन्होंने कई तरह की बातें कही थी, उनको देखते हुए उनको न्योता नहीं दिया गया है। हमारे पास यही सूचना आ रही है कि जिस तरह जब आप 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस का मजाक उड़ा रहे थे, आप उस दिन धरने पर बैठे थे, आपने पूरी तरह से मजाक बनाया खुद मुख्यमंत्री रहते हुए, तो आपको किस बिना पर आपको न्योता दिया जाए?
न्यूता मांगने के लिए? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो बार बार उठाया जा रहा है बीजेपी सरकार की ओर से। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल नाराज हैं कि वो हकदार हैं न्योता पाने के, लेकिन उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया नहीं गया है। फिलहाल आगे इस पूरे मामले में राजनीति क्या करवट लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बस कुछ ही पलों में होने वाला है कृष्णानगर में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी के लिए कृष्णानगर से इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज।